प्यारे दोस्तों, मैं अविनाश और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। ये जो सीरीज चल रहा है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज चल रहा है। इससे पहले 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 7 क्वेश्चंस हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस का ये पैक है और ये 10 क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनमें से कोई एक नए क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर डालेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस एंड लीनियर। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो वेरिएबल सेपरेशन पे नहीं आएंगे, वो होमोजेनियस और लीनियर पे आएंगे, क्योंकि होमोजेनियस और लीनियर में कहीं ना कहीं वेरिएबल सेपरेशन का आपका यूज़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये देखें कि यस, अगर डिफरेंशियल को सॉल्व करना है तो हमें होमोजेनियस और लीनियर को समझना पड़ेगा। तो कुछ हमने लास्ट क्लासेस में लीनियर के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस भी किया हुआ है, ये भी क्वेश्चंस ले रहे हैं, और होमोजेनियस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस लिए हुए हैं हमने। तो इस क्वेश्चन को स्टडी करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको किस टर्म में किया जाए। तो सबसे पहले डिफरेंशियल को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, जो हमने लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, कि आप ये ट्राई करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर फॉर्म में है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप सपोज इसके बेसिक फॉर्म, लीनियर के बेसिक फॉर्म जो होता है, आप उसको लिखिए dy by dx plus py is equal to q formation, otherwise dx by dy plus px is equal to q formation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके इस फॉर्मेशन में रहता है। इस बेसिस पर हम इसमें चेक करते हैं। चेक करने का तरीका, जो शॉर्टकट मेथड और कॉन्सेप्ट है, कि अगर dy by dx है, दैट मीन्स y का आपका सिंगल टर्म्स होगा, रिमेनिंग p और q इस ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के भी वैल्यूज हो सकते हैं। अगर आप dx by dy ले रहे हैं तो इस केस में x का सिंगल टर्म्स होगा और p और q जो होगा वो कांस्टेंट और y के टर्म में हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि y का भी एक ही टर्म्स हो, लेकिन अगर dx by dy दिया और x का सिंगल टर्म्स है, तो आप समझिए कि ये लीनियर का ही फॉर्मेशन है। इसमें भी जो dy by dx दिया हुआ, py is equal to q दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर भी आपको x जो होगा हो सकता है वो भी 1 हो, y भी 1 हो, लेकिन अगर dy by dx दिया हुआ और आपने पहले चेक कर लिया कि y का सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब कि हम इसको लीनियर से कर सकते हैं। तो ये तरीका है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लेते हैं कि अगर dy by dx को हम इंडिपेंडेंट कर दें, क्योंकि प्रॉपर्टीज वो इंडिपेंडेंट है, सो इंडिपेंडेंट करने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाई x, both side by x। तो इस साइड में ये x जो होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा 1 by x y, और RHS में cos x plus sin x by x आ जाएगा, और इस फॉर्मेशन को उस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये dy by dx plus 1 by x y it is equal to x cos x plus sin x upon x, इस फॉर्मेशन में आ रहा है, और ये जो है आपका लीनियर फॉर्मेशन है, जिसमें dy by dx y का एक सिंगल टर्म्स है, x की वैल्यूज मोर देन 1 गिवन है। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि y p की वैल्यूज है वो 1 by x है, एंड q की वैल्यूज x cos x plus sin x upon x है। आइडेंटिफाई होने के बाद अगर ये लीनियर की प्रॉपर्टीज है, तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो होता है e टू द पावर p, और p को डिफरेंशिएट करेंगे dx के टर्म में, जो dy by dx है तो dx, और dx by dy है तो dy, तो ये dx नीचे है तो इसको dx के टर्म में करेंगे, और p की वैल्यू 1 by x है dx, और e टू द पावर आपका log x आ जाता है। अगेन जो पहले हमने एक्सप्लेन किया लॉग की प्रॉपर्टीज, सपोज ए टू द पावर गिवन है लॉग बी टू द बेस, ए का पावर जो है वो लॉग बी टू द बेस है, और इस लॉग का जो बेस है और लॉग जिस पे पावर है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका सिंपल फॉर्मेशन बी हो जाता है, जो लॉग बी हो रहा है वो बी हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं दिया है बेस, इसका मतलब बेस आपका ई है, सो ये वैल्यूज आपकी एक्स आ जा रही है। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसकी वैल्यूज एक्स है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद अब इसका जनरल सॉल्यूशन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हम जनरल सॉल्यूशंस कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये लीनियर फॉर्मेशन में है, तो लीनियर में इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर ऊपर y है तो आप यहाँ y लेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट किसके टर्म में करेंगे, नीचे जो टर्म्स है dx, dx के टर्म में करेंगे। इसका मतलब हो गया कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस फॉर्मेशन में हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर ये टर्म दिया है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, और इस पूरे टर्म्स को जो इंटीग्रेट करना होगा वो dy के टर्म में करेंगे। दैट मीन्स के लीनियर को जो करने का जो तरीका है वो dy बाई dx और dx बाई dy, ये दो अलग अलग जो मैथड है उस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको करते हैं, बैलेंस प्रोडक्ट करते हैं, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आया, q है आपका, तो q की वैल्यूज हम यहाँ से लेते हैं क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा था, क्योंकि इंटीग्रेशन करना हमें, ये हो जाएगा आपका cos x plus sin x by x multiply by इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने x निकाला है, x y x cos x plus sin x dx। Now x y अब ये दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल हो गया आपका, अब ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें कि हम i l a t e प्रॉपर्टीज यूज करके u इंटू बी डिवाइड u into b आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं, तो ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट हो जाएगा, और साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आप उसको प्रोडक्ट कर लीजिए क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस प्लस सी कर लीजिए, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया।